नंबर्स होते हैं. सो माय सिविल सर्विस कोर्स इज 22nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो 22nd CTP एक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं. अच्छा सो 22nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो आई ज्वाइंट सिविल सर्विस इन 1994 विद दैट बैच. और नेक्स्ट जो मेरे 10 साल थे वो सिविल सर्विस के हैं, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फेडरल प्रोविंशियल. इस तरह जैसे जो मुख्तलिफ, क्योंकि आप सिविल सर्विस में ये एडवांटेज है कि आपको काफी एक्सपीरियंस मिलता है मुख्तलिफ जगहों पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, फेडरल डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज में, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज, ऑटोनोमस बॉडीज. काफी एक उस सेंस में कि आपको जो फ्रॉम लर्निंग और एक्सपीरियंस पॉइंट, अदर देन यानी यहाँ पे जो कैरियर या जो एस्पेक्ट्स हैं, ये एक बड़ा आपको डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड मिलता है कि आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम का, वर्किंग का, पॉलिसीज वगैरह का, और किस तरह गवर्नमेंट में चीजें चलती हैं उसका एक, आफ्टर लाइक से द फर्स्ट 4-5 ईयर्स जब आप 2-3 जगहों पे जा चुके होते हैं, तो एक काफी अच्छा आइडिया मिलता है कि कैसे ये सब चलता है और कैसे पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग का. और तो 10 साल मेरे वहां थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंटीरियर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस तरह NHA, काफी सारे डिपार्टमेंट्स में जो था वो चांस मिला. एंड 2005 ये जमाना है फिर जब मतलब एक मोर देन अ डेकेड हो चुका था सारा. और एक जो मुझे जो इशू जैसे उस वक्त था कि गवर्नमेंट का कैरियर एक बड़ा गारंटेड कैरियर है, प्रेस्टिजियस, बड़ा मतलब हमारे पाकिस्तान में बड़ा ऑब्वियसली सिविल सर्विस, आर्मी, ये दो चार बिल्कुल समझे जाते हैं बड़े वो प्रॉपर एक कैरियर पाथ, और हर बंदा इसको एक अच्छे बैकग्राउंड और लॉन्ग टर्म कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा, और ये बात सही भी है, दिस इज द फैक्ट. लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यार जो बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल पैकेज हैं, मतलब आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. और अच्छा ऑब्वियसली जो है यानी ये कि आप कोई अगर अनलेस के कोई उल्टे सीधे काम ना करें तो पैकेज आपको कोई देगा जो है. ये आप अपना, या तो ये एक चॉइस कि आप एक अपना पैकेज खुद बनाना शुरू कर दें, जो कि एक ऑब्वियसली बड़ी अनएथिकल और एक चीज है, लेकिन ये कि मतलब जो ग्राउंड रियलिटी वही यही है. सो 2004-5 का जमाना था ना, डिसाइड कि यार ये मतलब बेशक 5 साल और भी हो जाएंगे तो ये जो इशू है ठीक है, कैरियर प्रोग्रेशन अपनी जगह है, लेकिन कभी भी इस तरह जो आपका है ना इंडिपेंडेंट अपने ऊपर फाइनेंशियल चीजें जो वो नहीं चलेंगी. अब ये था कि इवन आफ्टर 9-10 ईयर्स मैं अभी भी डिपेंड करता होता था अपने वालदैन पे कि जी जो गैप होता था उस मंथली एक्सपेंस का कि वो उनसे सब्सिडाइज कराया जाए. सो ऑब्वियसली ये फिर मतलब ये कहता यार ये आपको इतना टाइम और मतलब 8-10 साल बाद भी आप कम से कम आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो मैंने डिसाइडेड है कि यार ये जरा एक्सप्लोर करना चाहिए और साइड पे. और वो हार्ड डिसीजन होता है क्योंकि 10 साल जब आपने लगाए हो ना, तो एक बड़ा आप यानी आप ए वो अपनी जो था ना इनिशियल स्ट्रगल्स वगैरह पूरे कर चुके होते हैं और अब आप मिड और ऊपर की तरफ जा रहे होते ऐसा हैं. ठीक है, दैट्स मतलब आप कुछ ना कुछ वही ऑन बैलेंस कुछ चीजें आपको लूज करनी पड़ती हैं कुछ, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑब्वियसली उस तरह गारंटेड कैरियर या नहीं है, बट समवट बेटर फाइनेंशियल पैकेजेस. और जो सो उस टाइम पे मेरा जो था वो मेन फोकस ही था कि यार ये यहाँ से इस मतलब मैं इसको सस्टेनेबल नहीं है इन चीजों के. सो दैट वाज द गोल. मतलब ये वो जो कहीं ना कोई बड़े कुछ हाई फ्लाइंग आइडियाज वगैरह उस वक्त नहीं थे. सो इट वाज मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग एट द टाइम. सो 2005 ये है अप्रैल 2005 व्हेन आई लेफ्ट द सिविल सर्विस, रिजाइंड. मतलब मैं वो कभी होता कुछ लोग छुट्टी वगैरह लेके निकलते हैं, बट आई डिसाइडेड कि नहीं यार अगर आप जा रहे हो तो फिर प्रॉपरली जो है बढ़िया वो कैरियर जो है नेक्स्ट है तो उसको पूरे आप दिलचस्पी से करो. सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एट एंग्रो, एंग्रो केमिकल उस जमाने में था, अभी कॉर्पोरेशन बाद में चेंज हुआ लेकिन इट वाज एंग्रो केमिकल एट द टाइम. तो देयर वाज पोजीशन इन पब्लिक अफेयर्स एज पब्लिक अफेयर्स मैनेजर. सो आई स्विच्ड टू एंग्रो और वेंट टू कराची और वो हेड ऑफिस में, और वो एक काफी डिफरेंट मतलब आपको पता चलता है. एक तो है कि आप जो पहला आपको जैसे कहते हैं ना आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो कल्चर शॉक होता है, हाँ तो जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं तो दे रियलाइज कि आपकी
जो अथॉरिटी लेवल का बहुत डिफरेंस है गवर्नमेंट में, अथॉरिटी आपकी मतलब वो मैच नहीं आप कर सकते, क्योंकि उसका एक बड़ा, जैसे आप अगर डिस्ट्रिक्ट में गए और डिस्ट्रिक्ट में जैसे डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर उस लेवल की अथॉरिटी अगर आप एक्सपेक्ट करके आए कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ऑब्वियसली वो नहीं होगी, रिक्वायरमेंट्स और हैं, एक और तरह का पूरा वो आपका आउटलुक एक्सपेक्टेशंस और है, कमर्शियल एस्पेक्ट है, बिजनेस है, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन इस तरह की जो टर्म्स हैं वो आपके लिए मास्टर, इवन अगर आप डायरेक्ट बिजनेस के भी नहीं है रिस्पॉन्सिबल बट सपोर्टिंग फंक्शन में भी बॉटम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट में ये चीज नहीं है। वहाँ ऑब्वियसली एक कुछ जैसे FDR वगैरह ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ रेवेन्यू वगैरह की वजह से आप कमर्शियल एस्पेक्ट आता है, बट अदर देन दैट आपकी जो अथॉरिटी वो प्रीटी मच there's a world of difference between the two. तो जो मतलब ये था कि पहले 6-7 महीने थोड़ा आपको odd लगता, मैं मतलब मेरे पास अपने 5-6 स्टाफ के बंदे होते थे, उसके बाद एक वो नायब कासिद PN जो आपके हर का मतलब आप आदि नहीं होते ना किसी चीज को करने के, सब आपको सपोर्ट एक स्टाफ बड़ा मिला होता है पर्सनल पूरा एक सिलसिला, तो वो चीजें शुरू में थोड़ा होता है जो यानी पहले 6 महीने साल इस तरह के जब जरा आपको अजीब लगता है कि पता नहीं कैरियर क्या है ये क्या, लेकिन ये कि मैं उसके मैं पहले 6 महीने साल जरा थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट के बाद इट वाज ग्रेट, क्योंकि एंग्रो मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया जब एंग्रो में बड़े चेंजेस आ रहे थे एज फ्रॉम अ प्योरली फर्टिलाइजर फोकस कंपनी, वो फूड्स और दूसरे और उनके बहुत से वेंचर्स थे एनर्जी, उसके बाद एक्सपेंशन थी फर्टिलाइजर में, काफी सारे बड़ा एक वो इंटरेस्टिंग टाइम था एंग्रो के, कॉर्पोरेशन का जो बिजनेस गोल्स और जो स्ट्रक्चर और डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम अ प्योरली फर्टिलाइजर कंपनी वो एक कॉर्पोरेशन मल्टी फेसेटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन बन रहे थे, सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एंग्रो फूड जस्ट एक बड़ी नई कंपनी थी, काफी उसके रेगुलेटरी इशूज आते रहते थे, उसके बाद जो दूसरा जो मैं इंटरेस्टिंग था कि गवर्नमेंट के कैरियर में मुझे बाकी प्रोविंसेस में तो मैं गया लेकिन जो सिंध में मुझे टाइम या मतलब कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी सर्विस की। एंग्रो की वजह से था कि मैं बेस तो हेड ऑफिस में था बट वहां पे आपका डिपार्टमेंट कौन सा था सर? पब्लिक अफेयर्स, क्योंकि मेरा वो जो थ्रू आउट अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रहा, गवर्नमेंट वो जो बैकग्राउंड था वो उससे वैसे जाननी छूटी, क्योंकि अभी भी जो है वही गवर्नमेंट रिलेशंस और पब्लिक अफेयर्स और इश्यूज मैनेजमेंट वही चलता है मोस्टली, मतलब आप DMG ग्रुप तो जी जी। और उसके बाद फिर था कि सिंध इंटीरियर में, क्योंकि एंग्रो के जो प्लांट धारकी में घोटकी की साइड पे, उसके बाद सखर में जो फूड का प्लांट था, तो इंटीरियर में काफी एक वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बना, जो यानी आप एक नए कल्चरल चीजें भी थी और उसमें स्टाइल ऑफ वे ऑफ वर्किंग बड़ा डिफरेंट था कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, कल्चरली भी वो इश्यूज उसके थे, लेकिन एक बड़ा अच्छा एंजॉयबल टाइम था, जिसमें बड़े आउट ऑफ द ब्लू इश्यूज बड़े मैनेज होते थे, जो आपको अंदाजा नहीं था यार कभी इरसा के साथ डील हो रहे हैं वाटर इश्यूज, कभी आपका कोई एनर्जी का कोई इशू आ गया है तो आप ये जो है पेट्रोलियम, उस वक्त एनर्जी मिनिस्ट्री से पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता था, तो ये इन लोगों के साथ इश्यूज, कभी सिंध गवर्नमेंट के कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वगैरह के साथ, तो ये काफी एक चेंज। और दूसरा ये एक्सपीरियंस में जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब आप टेबल की दूसरी साइड से डील करते हैं तो तब आपको और काफी एक पता चलता है कि यार कितना मुश्किल काम है गवर्नमेंट के साथ डील करना, बिकॉज पॉलिसी मैटर्स या डे टू डे इश्यूज में गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, सो आपको एक मैच करना पड़ता है कि कहाँ पे चीजें जो है वो मतलब कहाँ पे जाके एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप डिसीजन जो आप या गवर्नमेंट की तरफ से ले सकें, जहाँ पे आपको वो जो आप देखने जा रहे थे वो मिल सके और आपकी जो बिजनेस है वो सपोर्ट हो सके। सो काफी एक इंटरेस्टिंग और बड़ा वो जो था हेक्टिक टाइम था जो एंग्रो के जमाने में था, और आई स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 3.5 इयर्स देयर। और जो नेक्स्ट मेरे जो कैरियर में था मूव, दैट वाज मोनसेंटो अमेरिकन बायोटेक कंपनी, उस नाउ इट्स बीन एक्वायर्ड बाय बेयर, बट 2008 का जमाना है when I joined Monsanto, और focus मेरा वही था corporate affairs, public affairs,
लेकिन जो था एक बड़ा डिफरेंट इंडस्ट्री थी, सेंस में के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, उसके रेगुलेटरी इश्यूज और उसके, और ग्लोबली मोनसेंटो काफी कंट्रोवर्सीज कर रहा था क्योंकि फूड रिलेटेड एक बिजनेस था, एग्रीकल्चर और बायोटेक, सो जहां पे भी हाईटेक और बायोटेक्नोलॉजी के इश्यूज आते हैं वहां पे एथिकल इश्यूज, उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों को नहीं मतलब वो आपकी जितने मर्जी आप अच्छा काम करेंगे लेकिन ये उनके कंसर्न्स हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के साथ आप अक्सर औकात सोशल मीडिया भी देखते रहते होंगे कि जी बीट से हो गया, क्लाइमेट चेंज और इस किस्म की चीजें। सो दैट वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर मोनसेंटो फॉर द नेक्स्ट लाइक सिक्स इयर्स टिल एंड 2013। सो बट ये था कि लर्निंग मेरी दोनों कंपनीज थी एंग्रो और मोनसेंटो से बड़ी हुई क्योंकि मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा था, थोड़ा शुरू में एडजस्टमेंट जो थी वो होनी थी लेकिन बट यानी वो अच्छा यानी चल पड़ा। और आईएसएस ओवर जब मोनसेंटो में था क्योंकि ग्लोबल कंपनी थी, उस पे मुझे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी काम करने का टाइम मौका मिला वहां पे, तो उससे था कि रीजनल और जो थे ग्लोबल एस्पेक्ट आपको काफी, और ये एक बड़ा जो होता है ना जब आप खास तौर पे एक तो था कि आप विजिट करें वो भी एक इंटरेस्टिंग होता है टू सी अदर कंट्रीज फ्रॉम अ पर्सनल ग्रोथ, लेकिन आप जब वहां पे रुक के काम करते हैं ऑन डिफरेंट पोजीशन दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आप एक डे टू डे एक्टिविटी मतलब आप सिर्फ एज अ जनरल टूरिस्ट नहीं गए बल्कि आप एज अ एक्सपेट्रिएट वहां पे काम कर रहे हैं और काफी चीजें हैं वो मतलब कुछ पता चलता है यार कितनी चीजें सिमिलर हैं मुख्तलिफ जगहों पे और कितनी डिफरेंट, तो आपको बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन मिलता है इस चीज का। और मोनसेंटो के बाद फिर मैं मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग एक जब मैं वापस आया पाकिस्तान सिंगापुर से तो मैं ज्वाइन किया मोटरवे ऑपरेशन एंड रिहैबिलिटेशन कंपनी FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो थे सो प्रॉब्ली आई डोंट नो हर एक, लेकिन ये कि मेरा शायद रेयर लोगों का एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने सिविल सर्विस कॉर्पोरेट सेक्टर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तीनों में पाकिस्तान में काम किया है। सो क्योंकि नॉर्मली होता है लोग या आर्मी से आते हैं फिर प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं या वाइस वर्सा इस तरह चल, लेकिन रेयर होगा कि शायद एक बंदा सिविल सर्विस तीनों में आए और वो भी आर्मी की सर्विस वाला जो मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड की तरफ है और बड़ा वो एक जिसको कहना बहुत ही फर्क एक्सपीरियंस क्योंकि जो FWO में मिक्सचर था ऑफ सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर, ये एक दूसरा ग्रुप था जो रिटायर्ड ऑन एंड देन प्योरली सिविल पीपल, और ये एक बड़ा यानी मेरे ख्याल में अगर मैं वैसे देखूं पिछले 15 साल में सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस FWO का था क्योंकि बिल्कुल आप एक यानी वो होता ना कि FWO आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार प्योरली फौजी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मिलिट्री स्टाइल डिसीजन मेकिंग होगी, बट नहीं है इस तरह नहीं क्योंकि वो तीन लोगों का जो मिक्सचर बनता है मिलिट्री सिविल एंड रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल, वो काफी बड़ा एक अजीब भी है और इंटरेस्टिंग भी है और मतलब बड़ा उसमें मैंने एंजॉय किया, लर्निंग उसकी बड़ी थी कि यार कैसे कुछ चीजें मतलब जैसे हम सुनते होते हैं आर्मी की कि यार ये करते हैं वो करते हैं कुछ सही है कुछ सही नहीं है, इसलिए वो काफी यानी लोगों के साथ सर्विंग लोगों के साथ काम करने से आपको एक पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो लास्ट में दो ऑर्गेनाइजेशन कोका-कोला एट लाहौर एंड नाउ एकलिंग, कोका-कोला ऑब्वियसली इज अ ग्लोबल ब्रांड और उसकी काफी मतलब उसका कोई खास ऐसे कंपनी का तो खैर हर एक को पता है। एकोलिन इज कंपैरेटिवली न्यू, ये बेसिकली स्वीडिश एक सेटअप है ऑफ फूड पैकेजिंग, लिक्विड फूड पैकेजिंग, सिमिलर बिजनेस एज टेट्रा पैक, और जो फैमिली पीछे है वो भी वही है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था बट इन अ डिफरेंट पैकेजिंग और कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। So and it's a B2B business. So this is the first time that I'm in B2B business. Mein, Coke is totally different, like FMCG ka concept or globally, jo uske hain.
दिस इज कहना है जो टू समराइज के जो 10 साल मेरे हैं दोज आर विद सिविल सर्विस और जो अगले हैं 15-16 साल जो हो गए हैं दैट इज विद द range of different companies from multinationals to local and including a stint in the FW or military organization. So ye basically just a kind of summarized form of my experience so far. But a diversified experience. लेकिन कंपनीज काफी डाइवर्सिफाइड रही हैं। ऐसा ही है। तो अभी ये ब्लू चिप के साथ हैं आप? जी बेसिकली ये मतलब इकोलीन जो है ये मैं इसी के जो लास्ट है इकोलीन ये ब्लू चिप इसका जो नाम था। अच्छा। तो ये अभी लाहौर बेस्ड है? जी इट स्टार्टेड आउट इन 2018 में आए थे फिर 2019 तक जब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगी सुंदर एरिया में लाहौर में और उसके बाद से फिर मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन अब ऑलमोस्ट दूसरे साल में और यही मैन्युफैक्चरिंग लाहौर पाकिस्तान बेस्ड है। ठीक हो गया। तो सर जो आपका ये डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा और आपने कहा सबसे अच्छा मेरा एफडब्ल्यू और मेरा, तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जब हमारे जो स्पेशली कैरियर ओरिएंटेड लोग जो होते हैं और उनका बहुत एक फिक्स माइंड भी होता है कि नहीं हमने इस गोल के तहत चलना है और हमने यही करना है, और लेकिन आपने जैसे वो छोड़ा फिर उसमें आए फिर अब्रॉड का भी एक्सपीरियंस रहा, तो बट यू से कि इंसान का माइंड फिक्स नहीं करना चाहिए उस स्पेशली जब हम एक फ्रेम में होते हैं कि मेरा ये टारगेट है, स्पेशली यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ के टर्म के दरमियान होता है। ये देखिए एक वो है ना बड़ी फेमस सेइंग है कि जी इफ यू वांट टू मेक गॉड हैप्पी टेल हिम अबाउट योर प्लान्स। वो जो बात है ना कि ये बड़ा कहे कि आप कि जो लिखा हुआ है वो आपको पता नहीं है। आप ऑब्वियसली प्लान ही करते हैं अपने कि एक ज़हन में होता है या मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर जो शुरू में होता है, फिर थोड़ा जब जरा आपका मेंटल होराइजन जरा एक्सपैंड करता है फिर आपको नजर आता है और भी कैरियर्स हैं और सारा कुछ। मेरे मतलब मैंने भी मेरा प्लान सिविल सर्विस में ज्वाइन करके रिटायर होना था ओरिजिनली। सो यानी मैंने यही था कि 60 में रिटायर होंगे आराम से, जैसे एक नॉर्मल होता है कि आपने ज्वाइन की है 22-23 साल की एज में तो 36-37 ईयर लॉन्ग कैरियर होगा। और ऑब्वियसली जो मैंने कॉर्पोरेट कैरियर था प्लान नहीं किया, लेकिन जब आप यानी मेरे ख्याल एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि बहुत ज्यादा खुद अपने आप पे प्रेशर ये नहीं रखना चाहिए कि जी यही जो है ना मैंने बस यही करना है। मतलब हो सकता है कि कोई अल्लाह ताला ने आपके लिए ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज रखी हो। ये भी नहीं है कि आप इतने वो हो बहुत ज्यादा यानी जिसको कहना बहुत ज्यादा चेंज करना या हर वक्त डिससैटिस्फाइड रहना। वो मेरे जैसे मैंने देखा कि अगर आप किसी जगह जाते हैं तो यानी इट गिव योरसेल्फ सम टाइम और आपको एक जगह कैरियर बनाने में या इट टेक्स अराउंड लाइक बिटवीन 2-5 इयर्स जब आप कैरियर बनाते हो उस जगह पे अपनी वैल्यू कर सकते हो। लेकिन हाँ बहुत ज्यादा कि अगर आप हर 6 महीने साल बाद डिससैटिस्फाई हो रहे हो या कोई कैरियर जंप में दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बट बी ओपन क्योंकि हो सकता है कि उसमें आप ज्यादा एंजॉय करें। लाइफ को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड अगर आप देखेंगे कि नॉट जस्ट कॉर्पोरेट कैरियर की बात हो रही, अगर आप जनरली भी बहुत ज्यादा फिक्स्ड आपके आइडियाज हैं तो थोड़ा डल हो जाता है काम। तो जो उसको कहते ना कि आपने अगर लाइफ को मेरे जो थ्योरी या फिलोसफी समझ लें कि जी आप यानी ये ना हो कि बिल्कुल ही वो हो कि जहाँ पे दिल किया अचानक यानी आपके बहुत फ्लिमजी आइडियाज के ऊपर अगर आप इधर उधर जाते हैं वो भी ठीक नहीं है, बट ऑलवेज बी ओपन माइंडेड। आप जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं उसके ऊपर आप यानी चलें उसको देखें। हो सकता है कि जिस चीज को आप मतलब ये नहीं कि बगैर देखे जंप कर लें, लेकिन हो सकता है कि जो आपने प्लान या आपका ओरिजिनल प्लान नहीं था दूसरी जो आपको चीज अपॉर्चुनिटी मिल रही हो वो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग या ज्यादा बेहतर हो। सो और ये कि जो सबसे जो बड़ी चीज मेरे ख्याल मैंने जो एक्सपीरियंस की लाइफ में कि आप
अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग होनी चाहिए जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं है ठीक, लेकिन ये कि अगर आप बहुत ज्यादा प्लान और स्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, उससे आपका जो आपका खास तौर पे मेंटल होराइजन है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है, वो अपनी ग्रोथ के लिए, यानी नॉट जस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एक अपना जो पर्सनल एक हराइजन है उसको एक्सपेंड करने की जरूरी है कि आप थोड़ा सा रिस्क लें लाइफ में, बिल्कुल वो ठीक है, जरूरी है। ऐसा ही ऐसा ही। सो एट द एंड सर, आपने कुछ मैसेज देना होगा इस हवाले से कि ये तो प्रोफेशनल लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ के हवाले से आप क्या समझते हैं लाइफ के गोल्स को? पर्सनली मेरे हेल्प वही वही जो भी मैं थोड़ा सा उसके पर्सनल लेवल पे भी ये है कि जो है ना आपके मतलब मेरे मैं सोचूं जब मैं 15-20 साल की एज में था, तो अब वो आइडिया थे कई तो कई आइडियाज में हंसी आती है कि यार कितने यानी श्योर थे कि ये होना है और हुआ है, क्योंकि अगर सेम में ये होता उस समय यार ये करना है वो करना है बस सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। एक तो ये कि ये सब कभी ठीक नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक चीजें कभी कभार होता है कि आप बिल्कुल आप जो सोच रहे थे वो हो जाए, ये बिल्कुल लेकिन हाँ वो लेकिन ये कि अगर आप और अच्छा ये वैसे मैं खाली ये जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं कुछ आपका ना वो जो इर्द गिर्द एनवायरमेंटल इश्यूज और आपके पीयर्स और इस तरह उनसे भी आप लर्न करते हो, फिर ऐसे ही अगर है। आप शुरू में अगर आप बहुत कन्फाइंड हो तो मेरे ख्याल को इतनी ऐसी को प्रॉब्लमेटिक बात नहीं, क्योंकि स्कूल में यूनिवर्सिटी में आपका एक लिमिटेड इंटरेक्शन है, अभी आप दुनिया में नहीं गए, बहुत से आपके आइडियल्स हैं, बहुत से आपकी मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे ही वो ऐसे ही शुरू के मेरे ख्याल आपके कैरियर के 4-5 सालों में क्लेरिफाई हो जाती हैं, वो गलतियां आप बहुत सारी करते हैं, कई दफा आप जो काम कर रहे होते हैं अपनी तरफ से आप सही करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, और वो मेच्योरिटी लेवल नहीं होता आपको चीजों को बिल्कुल देखने का। ये मैं पर्सनल को मतलब मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यानी एक जरूर आपका होना चाहिए कि इस लाइन में मैं जाता हूँ और ये मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टाइम ने कोई ज्यादा वो बहुत हार्ड अपने लिए वो गोल्स ना बनाए, क्योंकि प्रेशर जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा डालते हैं तो कई दफा वो उस प्रेशर के एक टाइम आता है कि आप बजाय इसके कि उसका आपको बेनिफिट होता आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं, और अपनी अपॉर्चुनिटीज या अपना जो आपका लेवल है वो चीजों का खुद ही खाम खाम एक नीचे चला जाता है, फेलियर्स तो मैं को सर खाली ये कैसे डील ओपन करना माइंड। चाहिए? फेलियर्स सॉरी को कैसे डील करना चाहिए? एक तो ये है कि मेरे ख्याल सबसे बड़ी चीज जब आप होते हैं ना फेल, सारे आपके प्लान जो है ना जो आपने वो भी फेल हो जाते हैं, आप बड़ी ना वो बड़े गंदा टाइम होता है कि लट से आप कहते हैं यार ये करना था और वो नहीं, अच्छा आपने प्लान आपका एक होता है कि अचीव करने का वो नहीं होता, ऐसा ही है। उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल वो जो मैं कह रहा हूँ बात के एक अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, गिरने के बाद ये नहीं कि जस्ट फिर भागना शुरू कर दें, जरूरी है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो सोचने की कोशिश करें, क्योंकि कई दफा जो आपको इमिडिएटली बड़ा बुरी सिचुएशन लग रही होती है वो शायद 2-3 दिन में कुछ सिचुएशन बेहतर होती है, या कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है यार वो ठीक था, सेटबैक जरूर था लेकिन परमानेंट नहीं था। मेरे नहीं। समझ में ख्याल जो मेन लेसन है ना लाइफ में या कैरियर में, जी, ना सक्सेस परमानेंट होती है ना आपके फेलियर परमानेंट होते हैं, बहुत रेयरली होता है कि आप इतने हार्ड लक हो आपकी कि बस आपकी हर चीज ही खराब हो रही है या हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, बड़ी दफा आप एक बहुत जबरदस्त दिन होता है जब आपने कोई अचीव किया और पूरा ऑफिस आपकी यानी आप यू आर स्टार परफॉर्मर एंड द की पर्सन फॉर एवरीवन, और वो भी टाइम होता है जब आप फेल होते हैं एंड देन ऐसा ही। यू आर नॉट एनीबॉडीज फेवरेट फॉर द टाइमिंग, और ये चलता है, ये मेरे ख्याल है एक बहुत खुशकिस्मत होंगे जिन्होंने सिर्फ कामयाबी देखी है, बिल्कुल ये ऐसा। अगर आप चल रहे हैं लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी कैरियर में भी दोनों में ये माइंड में रखिए कि यार ये बहुत ज्यादा जब आप सक्सेस आपको मिली है तो उस पे आप बहुत ज्यादा ना परमानेंटली उस पे खुश होकर बैठ जाए, सिचुएशन चेंज होती रहती है, जी, और जिसको आप कहते हैं ना कि मेच्योरिटी लेवल यही है कि सक्सेस और फेलियर में आपको क्लियर हो के यार ठीक है मतलब अगर सक्सेस है तो अच्छा उसको एंजॉय करें सेलिब्रेट करें, बट डोंट टेक इट टू योर हेड, ये एक दूसरा दिन भी आएगा, सो दोनों चीजों के लिए जो है ना कहीं तैयार रहें और अपने आप को बहुत ज्यादा खुश या टेंस ना होना दें इसमें। बिल्कुल ठीक।
आखिर में सर, करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के वाले से आपका तजुर्बा क्या कहता है, ठीक चल रही है सिम्ट या नहीं? ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जो है ना, जो मेरी मतलब मैं क्योंकि काफी जगहों पे खुद गवर्नमेंट के एक सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर में रहा, ये वो सारा मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बहुत देखी हैं, मतलब हर तरह की 90s के जमाने से जिसको कहना कि होश जब संभाला है कि चीजें क्या होती हैं, इन हिसाब से जो है ना थोड़ा सा मतलब अभी करंट की थोड़ा सा जो पास पॉलिसीज का हमारा इतना इशू नहीं है जितना एग्जीक्यूशन पे है उसका इशू है। हम बहुत सी चीजों पे ना पॉलिसी तो बना लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे लोगों को बड़े इश्यूज आते हैं उसके, क्योंकि जो थोड़ी हमें मेरे ख्याल जो प्रॉब्लम है ना इन सारे जिस हर गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी हम बनाते हैं जरा जज्बात में आके, या देखते हैं कि अगर इंग्लैंड में ये बड़ी अच्छी चली थी, सिंगापुर ने बड़ी तरक्की की है इस बात पे, एग्जांपल में हम उन्हीं मुल्कों के ना सिंगापुर बांग्लादेश के भी आजकल शुरू हो गए हैं, फिर कोरिया का बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन अगर उस इन सारी जगहों में देखें ना एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली जो है वो बहुत अच्छी थी चीजों पे, हर जगह नहीं, मतलब परफेक्ट कोई मुल्क नहीं होगा और पाकिस्तान में भी सेम है, एग्जीक्यूशन हमने थी ना बातें वगैरह तो बहुत की लेकिन नहीं कर सके, उसके बाद उसको फॉलो थ्रू बड़ा बुरा रहा है। जैसे करंट जो गवर्नमेंट आई में हल, अगर आप ऑन पेपर पॉलिसीज देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 10% पॉलिसीज के से शायद आपको पसंद ना है, लेकिन 90% वो हैं जो मोस्टली लोग कहेंगे हाँ यार ठीक है। सेम पिछली गवर्नमेंट के साथ भी यही था कि आप पॉलिसीज तो ठीक बनाते हैं क्योंकि उस वक्त आपकी सोच या नीयत मेरा ख्याल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है ना वो जब आती है वहां पे वो सारा जो आपने इनिशियल आपका ऑनेस्टी या जो था ना जो आपके ख्यालात थे वहां वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, और अल्टीमेटली हम फिर वो देखते हैं कि जो एग्जीक्यूशन में लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे अब एक आता है ना गवर्नमेंट की एक एग्जांपल है, रमजान से पहले इस तरह गवर्नमेंट करती है कि जी वो सब्सिडाइज्ड चीजें बाजार या यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मिलते हैं। अच्छा ये पॉलिसी में हर्ज नहीं है, इसका मतलब आपकी नीयत भी ठीक है कि आप एक जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको एक फैसिलिटेशन दे रहे हो, चाहे वो करंट गवर्नमेंट कर रही है चाहे पिछली, एक उसकी नीयत या उस मतलब उसे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, वो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप उस एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो मेरा ख्याल है वो कहीं पे आपको होगा कि पता चलेगा कि यार जो एंड यूजर है उस सब्सिडी का या उस फैसिलिटी का, उसको जो आपने पॉलिसी बनाई थी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी, वो बजाय आपको सहूलत जो आप देना चाहते थे वो देने के बजाय वो अगला क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है और वो अगला आपको बुरा कहना शुरू हो जाता है। मैं ये गवर्नमेंट हो या पिछले, एक क्या है कि आप बजाय बहुत ज्यादा पॉलिसीज बनाने के और वो जो थिंक टैंक्स और इन चक्करों पड़ने, अगर आप 3-4 चीजें अच्छे तरीके से कर लें तो वो शायद ज्यादा बेहतर हो। और मैं ख्याल जो करंट गवर्नमेंट का ना वो भी ये मसला है, एक तो फर्स्ट टाइम खैर गवर्नमेंट में है, लेकिन ये कि अगर ये करें ना शायद 2-3 चीजें फोकस पकड़ते तो वो ज्यादा उससे जो था वो इम्पैक्ट आता। अभी होता है कि आप पॉलिसी ठीक बनाते हो लेकिन अगर आपने वो चीनी की लाइनों में लोग खड़े हो गए या बाजार में उनको क्वालिटी की चीज नहीं मिली जो आपने अपनी तरफ से प्रॉपर सब्सिडी या उसके पीछे रखा था, लेकिन आपके एंड एग्जीक्यूशन जो थी वो ठीक नहीं थी, बजाय इसके फायदा हुआ वो नहीं हुआ। तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो जो आपको इम्पैक्ट आना चाहिए या लोगों का जो होना चाहिए सिलसिला वो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजे की टॉक थी, टाइम की लिमिटेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको मौका देंगे, और आई होप कि हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने भी सीखा होगा, और आई वुड लाइक टू शेयर दिस रिकॉर्डिंग एज वेल। थैंक यू सो मच, मजा है बड़ा के जो होता है ना, खासतौर पर जब आप इस तरह बात करें तो आपको पूरा अपना एक एक तरह से लाइफ आपके सामने चल भी रही होती है उसी तरह सारी चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।